रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के छात्रों को 10 गोल्ड मेडल, 27 पीएचडी के साथ ही 21 पोस्ट ग्रेजुएट और 25 स्नातक उपाधि से नवाजा गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय ने म्यांमार के राजदूत महामहिम ने म्यू क्याओ और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, प्रख्यात रंगकर्मी, लेखिका और निदेशिका उषा गांगुली को मानद उपाधि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन भी किया। किस तरह से ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है उसका एक विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह एक अविस्मरणीय अवसर है, जहां उनके सपनों को साकार होने का एक आधार मिलता है। यह क्षण आने वाले कल की शुभ शुरुआत का संकेत है। इस अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ के साहित्य में इतने सारे विषय सम्मिलित है, शायद ही कोई और लेखक और कवि उनके जैसा होगा, जिसने कविताएं, लघु कथाएं, नाटक, गीत या फिर उपन्यास जैसा हर क्षेत्र में अद्भुत अतुलनीय कार्य किया है। यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि आपके विश्वविद्यालय का नाम देश के महान साहित्यकार और देशभक्त स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। आपको रविंद्रनाथ टैगोर जैसे देश के महापुरुषों के आदर्श, देशभक्ति और समाज सेवा से सीख लेकर अपने अंदर राष्ट्र प्रेम, अच्छे संस्कार और चारित्रिक मूल्य को आत्मसात करना है। द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईसेक इज द इंडिया लीडिंग सोशल एंटरप्राइज वर्किंग इन द एरियाज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, financial inclusion and e-governance, among other ICT-based services, to bring about inclusive change across the country. It is a great coincidence that much later, when the new government of India arrived, they had the same component in their vision for the new Bharat. We started this university with around 400 students, and now we have about 5,000 students in this campus. ये समारोह माननीय अतिथियों के सानिध्य व उनके प्रेरणादायी आशीर्वचन प्राप्त करने का क्षण भी होता है। विद्यार्थियों के परिश्रम एवं उनके द्वारा किए गए ज्ञानार्जन को इस दीक्षांत समारोह में अधिकृत स्वरूप प्रदान किया जाता है। वह कैंटीन व्यवस्थित रूप से संचालित है। आधुनिक तकनीकी से लैस स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय व परिसर का सौंदर्यीकरण भी हमारी उपलब्धि है। मैं अंत में पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं।